क्रिकेट से जुड़ी सभी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट्स और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे मैचेस की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि 15 सदस्यीय इस टीम में दिनेश कार्तिक वापसी करने में कामयाब रहे हैं, तो वहीं भारत के तेज युवा गेंदबाज शरदुल ठाकुर को भी इस टीम में जगह मिली है। इसके अलावा आपको बता दें कि केएल राहुल अपनी जगह बचाने में नाकाम रही हैं, तो वहीं रविंद्र जडेजा और आर अश्विन की इस टीम में वापसी नहीं हुई है। दोस्तों, 22 अक्टूबर से मुंबई में भारतीय टीम इस वनडे श्रृंखला का आगाज करेगी, जिसके लिए भारतीय टीम कुछ इस प्रकार से है। कप्तान रहेंगे विराट कोहली, तो वहीं महेंद्र सिंह धोनी रहेंगे विकेटों के पीछे। इसके अलावा रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे और शिखर धवन रहेंगे 3 ओपनर्स। इसके अलावा हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक, केदार जाधव और मनीष पांडे मिडिल ऑर्डर का भार संभालेंगे। गेंदबाजों की बात करें तो जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, युजवेंद्र चहल, शार्दुल ठाकुर, भुवनेश्वर कुमार गेंदबाजी की कमान संभालेंगे। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला वनडे मैच 22 अक्टूबर को खेला जाएगा। क्रिकेट से जुड़ी इसी प्रकार की ताजा अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल।